हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एएससी मींस एस स्टडी क्लब। आज की वीडियो में हम आपको हाई स्कूल के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि अध्याय 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए और परिकलन से माप की जाँच भी कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अच्छे समझ लीजिए कि संकेंद्रीय वृत्त का मतलब यहाँ पर कहा है ना उसने कि 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त है ना। तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिन वृत्तों के केंद्र समान हो, यानी कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का जो हम वृत्त बनाएंगे वो एक ही केंद्र से बनाएंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का वृत्त का जो केंद्र होगा वही केंद्र 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का भी होगा। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब यही है कि दोनों त्रिज्याओं के माध्यम से हम जो वृत्त बनाएंगे वो एक ही केंद्र से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रचना के चरण के माध्यम से करेंगे, या फिर हम पहले बना लेते हैं फिर रचना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि हम फिर बाद में रचना क्या लिखें। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं रचना के चरण के माध्यम से, यानी कि इसी के बेस पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रचना के चरण, हम पहले रचना के चरण लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा चरण क्या होगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमें बनाना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये हो गई। तो हम लिख देंगे, हम यहाँ पर बताएंगे कि किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो हम कोई बिंदु ले लेंगे और उससे 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे, क्योंकि पहले हमारे 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या ही है ना, तो उसी से एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना कंपास यानी कि प्रकार कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या तो हम इसी से मापेंगे और उसके लिए एक स्केल भी हमें चाहिए। तो स्केल ले लिया और हमारे पास कंपास भी है। अब 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के लिए हम अपने स्केल में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर की माप लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में पूछा जाता है 4 नंबर का। ठीक है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। अब हम कोई बिंदु ले लेते हैं, तो मान लीजिए कहीं पर बिंदु ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया बिंदु। ठीक है, और यहाँ से हम बना देंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक है, आराम से एकदम, आपका पॉइंट भी नहीं हिलना चाहिए और वृत्त भी थोड़ा सा इधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका मिस्टेक कर देगा उसको। ठीक है, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अब यहाँ से हमें थोड़ा हाथ बदलना होगा और ऐसे खींचना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपका खींच गया। अब क्या करना है, अब आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है और उसी केंद्र से आपको एक वृत्त और खींचना है। ठीक है, तो इस बात को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका चरण लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले हम ले लेते हैं और फिर उसे वृत्त खींचते हैं। ठीक है, उसी केंद्र से, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ओह काफ़ी बड़ा हो गया, इससे गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए और अच्छे से नापते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ध्यान देना होता है त्रिज्या लेने में। चलिए ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। केंद्र तो हमारा वही रहेगा, यहाँ पर हमने वापस अपना कंपास को लगा रखा और अब यहाँ से खींच देंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, आ गया। चलिए ये लीजिए, खींच गया एक ही केंद्र से 4 सेंटीमीटर। अभी इतना गड़बड़ हो गया क्या, देखें वापस एक बार मज़ा कर लें। ठीक है, नहीं ठीक, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमने जो वृत्त खींचा है उसका चरण लिख लेते हैं कि बिंदु O को केंद्र मानकर वही बात देखेंगे जो पहले चरण में लिखी थी, बिंदुओं को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय का मतलब अभी मैं बता चुका हूँ, संकेंद्रीय वृत्त खींचा। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त खींचा और फिर इस वृत्त पर एक बिंदु P लेना है। ठीक है, जो हमने संकेंद्रीय वृत्त खींचा है 6 सेंटीमीटर का, उस पर हमें एक बिंदु P लेना है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें एक बिंदु की ज़रूरत होती है और वो बिंदु हम P के रूप में लेंगे। और फिर क्या किया हमने, और फिर इस वृत्त पर जो अभी हमने 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा ना, उस पर हम एक बिंदु P लेंगे। ठीक है, एक बिंदु P लिया।
ठीक है। तो चलिए हम कहीं पर बिंदु P ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा बिंदु P, यहाँ पर हम बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बिंदु P, जो वृत्त हमने अभी खींचा था ना 6 सेंटीमीटर का, उसी पर अब हमें क्या करना है, और जो हमारा केंद्र था वो क्या था, वो था O, ठीक है, वो था O। तो यहाँ पर हम अपने केंद्र को थोड़ा अच्छे से डिनोट कर लेते हैं, ये है हमारा केंद्र O, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें P और O को मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं P और O को। PO को मिलाने के लिए थोड़ा सा हमें अच्छे से पेंसिल को सेट करना होगा ताकि दोनों पॉइंट आपस में मिल जाए और एक रेखा खींच जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PO को मिला देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये देखिए ये P हो गया और ये O, ठीक है। तो अब इसको हम मिलाएंगे, अच्छे से मिलाना है, ये लीजिए ये मिल गया, ठीक है, PO को मिलाया। तो हम अगले चरण में यही बात लिखेंगे कि PO को मिलाया, ठीक है। अगला जो हमारा चरण रहेगा उसमें यही होगा, PO को मिलाया। देखिए करते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो इससे आपका जो रचना के चरण है ना वो भी होता जाएगा। अब हमारा जो PO है उसे हमें करना है, देखिए ये आपकी एक रेखा हो गई PO, ठीक है। तो अब इस PO को हम समद्विभाजित करेंगे, ठीक है, इस PO को अब हम समद्विभाजित करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो समद्विभाजन में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी लाइन है PO उसमें हमें आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेनी होती है और बारी बारी से दोनों को केंद्र मानकर हमें ऊपर नीचे चाप लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले O को केंद्र मानकर और आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे, तो आधे ज़्यादा तो है ही है, वो थोड़ा सा कम करके हम ये त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ से लगाएंगे एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक है। अब इसके बाद यही काम हम करेंगे P से, तो P को केंद्र मानकर त्रिज्या आपकी वही रहेगी जो त्रिज्या आपने O से ले रखी थी, और अच्छे से केंद्र में रखकर यानी कि बिंदु में रखकर अब आप चाप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चाप लगेगा पुराने वाले चाप पर और यहाँ पर एक चाप लगेगा, ठीक है, अच्छे से लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दो पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक आपका ये पॉइंट है और एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं Q, इसको हम मान लेते हैं R, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम तो यहाँ से हमने आपको बता दिया कि इस लाइन को हमने समद्विभाजित किया तो हमें दो पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, यानी कि Q और R को मिलाना है जिससे PQ लाइन का समद्विभाजन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर Q और R को मिलाएंगे, ठीक है। तो Q R को मिलाते हैं, अच्छे से पॉइंट को सेट कर लेते हैं। एक बार आप थोड़ा ऊपर से चला के देख लिया करिएगा कि पॉइंट के ऊपर से आपकी लाइन जा रही है कि नहीं, ठीक है, ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा। हाँ हमारी जा रही है, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलिए और थोड़ा सा करते हैं, ये अब सही जा रहा है, देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हम मिला देंगे इन दोनों को, ठीक है। ये काम आपको भी करना है कि दोनों पॉइंट में आपको ऐसे स्केल रखना है जिससे कि पॉइंट के बगल से नहीं जाए, पॉइंट के ऊपर से लाइन जाए। तो इसके लिए आप एक बार थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ हल्का सा स्केच करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जब QR को मिलाया तो वो PO लाइन को यहाँ पर काट रहा है, तो ये हमारा एक नया पॉइंट मिल गया, इसको भी हम डिनोट कर देंगे, ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं M से, ठीक है। चलिए हमारा M हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, तो अब हमने क्या किया था अभी कि PO को समद्विभाजित किया था, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि PO को समद्विभाजित किया, ठीक है, PO को समद्विभाजित किया। तो जब हमने PO को समद्विभाजित किया QR के द्वारा और वो हमें मिला था PO में आधे से अधिक त्रिज्या लेकर जो हमने चाप लगाए थे उनसे हमें दो बिंदु मिले थे, उनको मिलाने पर PO को समद्विभाजित किया M पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि MO त्रिज्या ले लेना है और उससे एक वृत्त खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम M और O की त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार के माध्यम से और एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये वृत्त जा रहा है जो हमने MO को त्रिज्या मान के लिया था, अच्छे से अपना नुकीला जो पॉइंट होता है ना प्रकार का उसको मत हटने दीजिएगा, वो अगर हटता है ना तो गड़बड़ हो जाता है, आपका वृत्त कहीं और भागने लगता है,
ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका बढ़िया सा वृत्त बन गया, ठीक है, एक और वृत्त बन गया। तो अभी हमने क्या किया था कि एम ओ त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा था। तो इस बात को हम अपनी रचना के चरण में नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर तथा एम ओ त्रिज्या लेकर, एम ओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त खींचा, ठीक है। तो आप जो है जैसे जैसे चित्र को बनाते जाएंगे उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी रचना के चरण आसानी से आते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है, यानी कि अगला चरण क्या होगा, अगले चरण के हिसाब से हमें बात क्या होगी। तो अभी जो हमने वृत्त खींचा है एम ओ त्रिज्या का, एम को केंद्र मानकर, तो वो वृत्त से हमारे दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं दिए गए वृत्त पर, है ना। कहाँ पर? एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर और एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। जब हमने एम ओ त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचा था वो हमारे दिए गए वृत्त, जो हमने 4 सेंटीमीटर का वृत्त पहले खींचा था ना, तो उसको जो है यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहाँ पर हमें दो बिंदु मिल रहे हैं ए बी, ठीक है। तो इस बात को अब हम नोट कर लेते हैं अपने रचना के चरण में, ठीक है, कि माना माना यह दिए गए वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये होगा कि जो हमारा पी बिंदु है उसको हम ए से मिलाएंगे और बी से मिलाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, पी बिंदु को ए और बी से मिलाएंगे, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। तो मैंने बताया कि पॉइंट को आपको अच्छे से सेट कर लेना है अपने स्केल के माध्यम से, और फिर एक बार आप थोड़ा सा उसको ऊपर चला कर देखेंगे कि दोनों पॉइंट से होकर, यानी दोनों बिंदु से होकर आपकी रेखा जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है, ये बात गौर करिएगा। तो यहाँ पर आ रहा है, अब एक बार रफ स्केच चला के देखते हैं, बिल्कुल आ रहा है, अब अच्छे से खींच देंगे, ये देखिए, ठीक है, एकदम सही जा रहा है ना। अब यही काम हम पी से करेंगे। तो अब पी और बी को मिलाएंगे, पी ए को मिला दिया, अब पी और बी को मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये बिंदु पी हो गया और ये हमारा ए बी हो गया। अब इनको मिलाते हैं, ठीक है, चलिए पी और बी को मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, अरे करना कुछ नहीं, बस अब आप देख लीजिए कि आपको P और A को जो हमने अभी मिलाया है वही दो आपकी स्पर्श रेखाएं, यही दो आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त से होकर जा रही हैं, है ना। यही तो आपको फाइंड करना था ना, यही निकालना था ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ये आपकी PA और PB, ये आपकी दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस बात को हम अपने रचना के चरण में रख देते हैं, ठीक है। तो रचना के चरण में हमारा क्या बनेगा कि P को A तथा B से मिलाया, ठीक है, P को A तथा B से मिलाया, तब आपको PA और PB ये अभीष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ये आपकी अभीष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो PA और PB को अब हम मापेंगे और देखेंगे कि दोनों की लंबाइयां कितनी हैं, ठीक है। तो हम यहां पर इस बात को नोट करते हैं कि PA और PB को मापने पर, ठीक है, इन दोनों को अब हम नापेंगे, ठीक है। तो ये काम हमारा कौन करेगा, स्केल करेगा, पटरी। हम मेजर करेंगे
तो आपको अच्छे से पॉइंट में आपको स्केल रखना है दोनों पॉइंटों पर और उनको सही तरीके से सेट करना है और इससे आपका अपना मेजर निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आपका पॉइंट मोटा नहीं होना चाहिए, ये बात हम अभी बताएं। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पॉइंट वैसे मोटे हैं, ठीक है, हल्का फुल्का मोटा है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सही मेजर इसमें नहीं मिलेगा, एक एमएम जो होता है ना उसकी थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है इसमें। तो देखते हैं हम आपको परफेक्ट निकाल के देते हैं। तो इसका परफेक्ट जो मेजर आ रहा है वो आ रहा है 4.5, ठीक है, 4.5 परफेक्ट है। और यहाँ पर भी हम नापते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो है समथिंग वही आ रहा है 4.5, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो पी ए है और पी बी है उन दोनों की लंबाइयाँ सेम है। तो यहाँ पर हम उनको नोट कर लेते हैं कि पी ए बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा पी बी है वो भी हमारा क्या है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जब बनाएंगे हो सकता है एक दो पॉइंट का इधर उधर हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, दोनों की सेम आएंगी। ठीक है, एक दो पॉइंट का ही अंतर होगा, वो भी जो एमएम में होता है, सेंटीमीटर में नहीं। ठीक है, तो बस ये पॉइंट को आपको पॉइंट के रूप में लेना है, वो मोटा नहीं होने पाए, बस थोड़ा सा रहे, पॉइंट जैसा होता है वैसा रहना चाहिए। तो यहाँ से रचना की जगह कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन का जो मेन मतलब था यानी कि स्पर्श रेखा खींचना, वो हमने आपको दिखा दी कि कैसे खींचना है। अब हम इसकी बात करेंगे, जो लंबाइयाँ बतानी थी लंबाइयाँ भी हमने बता दी, अब हमें करना है परिकलन से माप की जाँच कीजिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन को अब प्रूफ करना है, ठीक है, उसको प्रमाणित करना है। तो चलिए करते हैं प्रमाणित। ना कि प्रमाणिकता करने से पहले कुछ बातों पर आपको गौर करना होगा, ठीक है, वो क्या है कि जो आपका ओ ए है, ठीक है, अभी हमने ओ ए को और ओ बी को मिलाया नहीं है, तो चलिए पहले इनको मिला लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, यानी कि रचना की प्रमाणिकता की बात करते हैं। तो आइए ओ और ए को मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ओ पॉइंट है ना कितना मोटा हो गया, ज़्यादा हो गया ना, पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको अच्छे से उसको जितना वो पॉइंट रहता है उतना ही रखना है। ठीक है, अच्छे से कर लीजिए और इसके बाद मिला दीजिए। ठीक है, ये हमने ओ ए मिला दिया, अब हमें मिलाना है ओ बी। चलिए ओ बी को मिला देते हैं, जाएगा इसके ऊपर, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, बस हो गया, ये मिल गया ओ बी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारा ओ ए है, ठीक है, और ओ बी है, उनको हमने मिला दिया, ओ ए और ओ बी उनको मिला दिया। तो यहाँ से आपको दिखेगा जो पी ओ है वो आपका वृत्त का व्यास है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो जो पी ओ है ना वो आपका वृत्त का व्यास हो गया। तो इसका मतलब कि पी ओ वृत्त का अर्धवृत्त हो गया, यानी कि जो पी ओ है वो आपका क्या हो गया, अगर वो व्यास है तो पी ओ से आपका ये जो वृत्त बन रहा है क्या, कौन सा वृत्त है, अर्धवृत्त बन गया है ना। अब पी ओ वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो पी ओ जो आपका वृत्त का व्यास है वो दो अर्धवृत्त में वृत्त को बांट रहा है ना, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, और आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो वृत्त के व्यास या अर्धवृत्त से, वृत्त के व्यास या अर्धवृत्त से जो भी कोण हम खींचेंगे वृत्त के अंदर वो समकोण होता है। यानी कि वृत्त के अंदर हम जो भी कोण खींचेंगे वो आपका समकोण होता है ना, ये समकोण होगा, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो उसके अंदर जो हम कोण खींचेंगे वो कैसा होगा, समकोण होगा। तो यानी कि जो आपका ए है, जो आपका ए है और बी है ना, ये देखिए ए आपका कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है ना, ये अर्धवृत्त का समकोण होगा। और उसी तरह से जो आपका बी है वो भी आपका कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, अर्धवृत्त का समकोण होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको लिख सकते हैं कि जो आपका कोण ए है, ठीक है, वो कितना है, 90 अंश, और कोण बी जो है वो भी आपका कितना है, 90 अंश, है ना, और ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त के समकोण है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ए आपका 90 अंश का है, तो जो आपका पी ए और ओ ए दोनों जो है ना, पी ए और ओ ए दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर लंब होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे पर लंब होंगे। यानी हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए अगर आपका कोण जो ए है, ठीक है, कोण ए जो है वो अगर 90 अंश है, ठीक है, 90 अंश है, तो जो आपका पी ए और ओ ए है, पी ओ पी ए और ओ ए वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, ठीक है, एक दूसरे पर लंब है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, पी ए लंब ओ ए, ठीक है।
अब यही बात दूसरे कोण में भी जाएगी, कौन से कोण में, बी में, कि कोण बी बराबर 90 अंश है तो जो आपका पी बी है, पी बी और ओ बी, ठीक है, वो एक दूसरे पर, एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, पी बी लंब ओ बी, ठीक है, ये बात हो गई। और अगर आपका कोण ए 90 अंश का है, जो पी बी पी ए और ओ ए पर लंब दिखा रहा है, तो ये आपका समकोण बन जाएगा, है ना, कोण ए समकोण बन रहा है ना, और कोण बी भी समकोण बन रहा है, और यहाँ से पी ए लंब हो रहा है ओ ए पर और पी बी लंब हो रहा है ओ बी पर। तो यहाँ पर जो आपका ओ ए और ओ बी है वो क्या है, वो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। ये जो ओ ए और ओ बी है वो वृत्त की त्रिज्या है, और ये कौन से वृत्त की त्रिज्या है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। जो हमारे वृत्त दिए गए थे ना शुरुआत में, जो हमने बनाया था 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का, तो जो 6 सेंटीमीटर का वृत्त था ना, उस पर ये जो है त्रिज्या है उसकी, ठीक है, ये उसकी त्रिज्या है जो हमारा दिया गया वृत्त था, ठीक है। तो उसमें ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो त्रिज्या होती है वो जो स्पर्श रेखा होती है ना, उस पर ये लंब होती हैं। तो हमारी जो स्पर्श रेखाएं थी वो कौन थी, पी ए और पी बी थी, और ये हमारी त्रिज्या हो गई ओ ए और ओ बी। तो ये उस पर लंब बना रही है कि नहीं बना रही, देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है ना कि पी ए लंब ओ ए और पी बी लंब ओ बी। तो यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, वो स्पर्श रेखाओं पर लंब बना रही है, ठीक है। तो ओ ए लंब है पी ए पर, तो पी ए हो जाएगी स्पर्श रेखा। उसी तरह ओ बी लंब है पी बी पर, तो पी बी आपकी हो जाएगी स्पर्श रेखा। इस तरह से जो आपकी पी ए और पी बी है, ये आपकी दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, ये यहाँ से प्रमाणित हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से प्रमाणित हो रहा है कि पी ए और पी बी दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये बात तो हो गई स्पर्श रेखाओं की प्रामाणिकता पर। अब हम जो लंबाइयाँ निकली हैं पी ए और पी बी की, उनकी भी प्रामाणिकता कर लेते हैं, ठीक है, उनको भी प्रूव कर लेते हैं कि जो हमारी लंबाइयाँ हैं उनको भी प्रमाणित कर लेते हैं। तो लंबाई की माप की प्रामाणिकता, ठीक है, चलिए इनकी भी प्रामाणिकता कर लेते हैं। तो लंबाई की प्रामाणिकता निकालने के लिए हमें अपनी लंबाइयाँ लेनी होगी। जो हमारी ओ ए और ओ बी हैं वो हमारी क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का वृत्त था, तो इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, यानी कि इन दोनों भुजाओं की माप क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या थी, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या थी, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन खींची थी पी ओ, तो पी ओ हमारा कितना था, 6 सेंटीमीटर, है ना। वो जो हमने दूसरा वृत्त खींचा था 6 सेंटीमीटर का, उसी में हमने बिंदु लिया था और उसको मिलाया था उसे, तो वो 6 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या थी, ठीक है, सॉरी 6 सेंटीमीटर का एक व्यास था, है ना, वृत्त का व्यास बन गया था ना। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो पी और ओ है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमें मिला था रचना से, ये हमें मिला है रचना से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कोण ए है वो है 90 अंश, इसी तरह से जो आपका कोण बी है वो है 90 अंश। तो आपका एक समकोण बनता है यहाँ पर, कौन सा समकोण, पी ए बी, ठीक है, बन रहा कि नहीं, पी ए बी। तो त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में आप देख सकते हो कि समकोण त्रिभुज में हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये जो आपकी साइड है वो है 4 सेंटीमीटर, और पी ए जो है, पी ओ जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ये पी ए निकालना है, है ना, ये भुजा आपको निकालनी है, ये तो हमें पता है कि ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा जो पी ओ है वो हमारा है 6 सेंटीमीटर, इसी तरह ओ बी भी आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये दो भुजाएं की माप पता करनी है, यानी कि लंबाइयों की माप जो है वो हमें प्रमाण करना है ना। तो ये जब दो निकलेंगी तब हम बताएंगे। तो अभी जो हमारा पी ए बी है त्रिभुज में, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए तो हमारा कुछ है नहीं,
तो उसको हम ऐसे रख लेंगे। ओ ए हमारा है 4 का स्क्वायर, ठीक है, पी ओ हो गया हमारा 6 का स्क्वायर। इस तरह से पी ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, बराबर 6 का होता है 36। तो अब जब हम 16 को ट्रांसफर करेंगे तो पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 माइनस 16, और जब माइनस करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। तो यानी कि पी ए स्क्वायर आपका आएगा 20। तो अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे पी ए का तो हो जाएगा अंडर रूट 20। अब यहाँ पर जब हम अंडर रूट 20 का मान निकालेंगे तो वो हमें कुछ मिलेगा 4.47। ये आप वर्गमूल विधि से निकाल सकते हो, ठीक है। मैथ में आपको बताया गया होगा कि वर्गमूल विधि से, यानी कि वर्गमूल के भाग विधि से इसका मान कैसे निकाला जाता है। तो कुछ ये मान आपको प्राप्त होगा 4.47। अगर हमें इसका दशमलव के निकटतम एक स्थान का मान लाना है शुद्ध रूप में, तो 7 देखिए 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ जो आपका दशमलव के बाद एक स्थान है ना 4, वो बदल जाएगा किस में, 5 में। तो यानी कि पी ए बराबर आपका आएगा 4.5 सेंटीमीटर, और यही हमने नाप कर भी देखा था, है ना। तो एक साइड तो आपकी प्रूफ हो गई, अब हमें दूसरी साइड करनी है पी बी, तो उसको भी हम इसी के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको पी ए जो आपकी लाइन है उसकी माप मिल जाएगी। और यहाँ पर आपने देखा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर हमने पी ए बी लिख रखा है तो वो थोड़ा सा गलत हो गया। हमने जो त्रिभुज लिया था और उसके हिसाब से जो हमने भुजाएं ली थी वो पी ए बी की नहीं पी ए ओ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ओ करना होगा, हमने जो त्रिभुज लिया है और उसके अंतर्गत जो भुजाएं ली हैं तो वो त्रिभुज होगा हमारा पी ए ओ, ठीक है। अब जो दूसरी भुजा हमें निकालनी है यानी उसको प्रूव करना है, तो उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे पी बी ओ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी बी ओ में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ आपका हो जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है सर, ओ बी स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पी बी जो है वो आपका कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम पी बी स्क्वायर ही रखेंगे। ओ बी आपका दिया है ओ बी स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर, बराबर पी ओ बी आपका कितना 6 स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर बराबर प्लस 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और 6 हो जाएगा 36। इसको हम प्रशांतर कर देंगे तो पी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 माइनस 16। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20। अब हम क्या करेंगे इसके माध्यम से, पी बी के माध्यम से 20 को अंडर रूट में रखकर उसका मान निकालेंगे तो आएगा 4.47। फिर दशमलव के निकटतम एक स्थान तक जब इसका शुद्ध आंसर लाएंगे तो आएगा पी बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों भुजाएं यानी कि पी ए और पी बी दोनों की जो भुजाएं हमने मापी हैं अभी प्रमाणित किया है, ठीक है, सॉल्यूशन के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर समकोण त्रिभुज बनाकर, वो आपकी आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें आपकी स्पर्श रेखाएं भी प्रमाणित हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने स्पर्श रेखाओं को भी प्रमाणित किया है और उनकी जो लंबाइयाँ थी, ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो ज्ञात नहीं थी उन्हें हमने ज्ञात किया और प्रमाणित किया कि स्पर्श रेखाओं की जो माप निकली थी हमने पीछे निकाली थी उसके बराबर ही आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए हमने माप का निकाला था और यहाँ पर हमने प्रमाणित किया है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का सलूशन है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। अगर कहीं समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।